मुझ पे कोई केस नहीं है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस, व्हाई पीपल आर राइटिंग। हम औरतें अपना ख्याल नहीं रखती हैं, हम बस बिजी रहती हैं अपने बच्चे और अपने हस्बैंड, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। लोग तो वैसे ही बुरा भला बोलते हैं, अच्छा बोला ही कब है। अपने फेक डेथ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पूनम पांडे कई दिनों से चर्चा में हैं। वेल, इस कंट्रोवर्सी के बाद फर्स्ट टाइम पूनम पांडे बाहर आईं और जूम से की एक्सक्लूसिव बात। आज देश भर की महिलाएं, इतनी सारी औरतें दुनिया भर से, जितने भी लोगों को इस वैक्सीनेशन के बारे में नहीं पता, बिकॉज हम औरतें अपना ख्याल नहीं रखती हैं, हम बस बिजी रहती हैं अपने बच्चे और अपने हस्बैंड, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट एक बार अपने बारे में सोच लें। एंड आई एम सॉरी, बट मुझे ये तरीका सही लगा, बिकॉज अगर मैं बाहर जाके बस एक वीडियो बनाती और वैक्सीनेशन के बारे में बात करती, लोग कुछ और ही देखते, कुछ समझते। आज घर घर में, बच्चा बच्चा, गांव गांव में, आप किसी भी गांव का नाम ले लो, हर एक बच्चे को सर्विकल कैंसर के बारे में पता है, तो माई जॉब इज़ डन। बाकी आप बोलते, लोग तो वैसे ही बुरा भला बोलते हैं, अच्छा बोला ही कब है। मुझ पे कोई केस नहीं है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस, व्हाई पीपल आर राइटिंग ये केस वो केस, मुझ पे कोई केस नहीं है। बस मैं बड़ी खुश हूँ। मैं कल रात को खाना बना रही थी, मैं बड़ी चिल लाइफ जी रही हूँ। अभी भी शूटिंग चालू, मेरा काम बहुत अच्छे से चालू है। अगर आप एक छोटी सी चीज़, आपको इतनी बड़ा, आपने ही उसको हवा बनाया है, तो भी मैं उसमें क्या ही बोलूँ। बट थैंक यू हवा बनाने के लिए, क्योंकि लोगों को सर्विकल कैंसर के बारे में पता चला, तो उसके लिए मैं आपकी बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। सीरियल बातें कुछ अनकही सी जल्द होने वाला है ऑफ एयर, और इस खबर को सुनकर सारे स्टारकास्ट काफी दुखी हैं। जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए सयाली यानी के वंदना ने बताया पूरा डिटेल। ये बिल्कुल सच है, हमारा शो अनफॉर्चुनेटली ऑफ एयर जा रहा है, बट बहुत बहुत हम सब ज़्यादा अपसेट है, और कोई किसी से इस बारे में बात भी करना नहीं चाह रहा, बिकॉज हमने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ होगा। बट ठीक है, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, चैनल है, उनका कोई कुछ किसी रीज़न से उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ा होगा, इट्स कम्प्लीटली फाइन। हमें कल या परसों पता चल गया, दो ही दिन हो गए हमें पता चला है। बहुत अपसेट थे सबके सब। एक्चुअली हमारा एक ग्रुप भी है जहाँ पूरे 24 घंटे किसी ने बात नहीं की एक दूसरे से, सो वो एक अलग सा साइलेंस था, अलग सा एक ऐसा माहौल था कि क्या ही बात करें, कैसे फेस करें एक दूसरे को। अभी जब भी हम मिल भी रहे हैं तो आ रहे हैं, हक कर रहे, दैट्स इट। कोई किसी से कुछ ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा, बिकॉज शो बंद होने के बारे में किसी को बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, शो है, लोगों ने प्यार दिया, ढेर सारा हमें भी प्यार मिला, ऐसी बहुत शोज आएंगे, बहुत काम करेंगे हम। बुरा इस बात का लग रहा है कि हम दोबारा, अब एक टाइम के बाद दोबारा जो सेट पे रोज़ सुबह मिलते थे वो मिलना नहीं होगा। वहाँ से हम जो दिन भर 13 घंटे एक साथ साथ में खाना खाना, साथ में बातें करना, साथ में एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर करना, वो नहीं होगा। उस बात को हम ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो है, टाइम लगेगा हमें भी थोड़ा सा, बिकॉज जब परिवार बिछड़ता है तो टाइम लगता है, थोड़ा सा बुरा लगता है, बट इट्स ओके। रियलिटी शो इंडियन आइडल अब पहुंच चुका है सेमीफाइनल में। इस पड़ाव में पहुंचने के बाद यहां हो रही है स्पेशल परफॉर्मेंस। जूम लेकर आया है इस शो के 3 कंटेस्टेंट्स, जो बता रहे हैं इसकी फुल डिटेल। 2 बहुत अमेजिंग एपिसोड्स होने वाले हैं। एक में उर्मिला जी आने वाली है, जो इतनी ग्लैमरस वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं, और दूसरे में एक बहुत स्पेशल इमोशनल एपिसोड होने वाला है, जहाँ पे हम सब अपने माए के लिए गाने गाने वाले हैं। तो बोथ ऑफ द एपिसोड्स आर गोइंग टू बी एक्सेप्शनल, एंड आई होप कि आप सबको पसंद आए। ये वीक का एपिसोड बहुत स्पेशल है, बिकॉज एक ग्लैमर डीवा थी उर्मिला जी, एंड हमारे, हम जिससे है, हम जिससे बने हुए हैं, हमारी माँ, उनके ऊपर बेस्ड एक छोटी सी ट्रिब्यूट की कोशिश है बस। उनके आने से और अब हमारे गाने से, दोनों से रौनक बढ़ी थी, और देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये दोनों एपिसोड्स जो होने वाले हैं, माँ का एपिसोड तो सच में, जैसा आपने कहा था, यूनिवर्सल है। लोग उस माँ, अपनी माँ से इतना कनेक्टेड, वो शब्द ही ऐसा है कि वो बोलते ही इमोशंस अपने आप आते हैं। मतलब उसमें कुछ प्रेशर नहीं लगाना है कि हमें सोच के गाना है ये वो। जब मैंने माँ के एपिसोड में परफॉर्म किया था तो मैंने कुछ नहीं सोचा था, बस मेरा एक ही मोटिव था कि अपनी माँ को मुझे मेरे सामने लाना है, और ये इमेजिन करना है कि वो मुझे खूब सारा आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये एपिसोड आप ज़रूर देखें, और आई एम मेकिंग श्योर कि आप सब वो एपिसोड देखने के बाद अपनी माँ पे छलांग लगाने वाले, उन्हें बहुत ज़ोर से गले भी लगाने वाले हैं, और
उन्हें ये ज़रूर बोलना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो सुनने के लिए वो सोचते भी हैं और ये भी कहते हैं कब मेरा बच्चा मुझे बोलेगा गले लगा के माँ मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, तो करना बहुत ज़रूरी है। मोहित मलिक का फैंस के लिए हार्टफेल्ट पोस्ट। मोहित मलिक ने अपने सोशल हैंडल पर फैंस के लिए शेयर किया है अपना हार्टफेल्ट नोट अपने शो बातें कुछ अनकही सी के ऑफ एयर होने के बारे में। मोहित ने लिखा, आई नो ऑल ऑफ यू आर डिसअपॉइंटेड एंड आई अपोलोजाइज, इट्स नॉट माई फॉल्ट बट आई स्टिल डू, इट्स नॉट माई चॉइस, इट्स नॉट माई डिसीजन, बट व्हेन अ गुड शो इज टेकन ऑफ एयर विच वॉज डूइंग सो वेल, आई नो हर्ट्स द ऑडियंस, आई हैव मैसेजेस पोरिंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, पाकिस्तान, श्रीलंका, US, आर ओन कंट्री इंडिया एक्सेट्रा, ऑल ऑफ आर व्यूअर्स टॉकिंग अबाउट हाउ अनफेयर दिस डिसीजन इज फॉर बाते टू गो ऑफ एयर, आई नो वी हैव बीन slot leaders, I know we have been in the top 7 shows on Indian television, but remember that I am an actor doing my job, it's never in an actor's hands, we go to our sets and give 100%, you watch us and shower us with love, but the show's fate of being on air or taken off air are decisions beyond us. I'm happy to entertain all of you and I promise that our journey shall continue, remember every end shall bring a new beginning, love. शोएब इब्राहिम का लेटेस्ट लुक। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 अपने फिनाले के है बिल्कुल करीब और अब शो में बचे हैं कुल टॉप 6 कंटेस्टेंट्स। वहीं झलक दिखला जा 11 के सेमी फिनाले शूट से पहले शोएब इब्राहिम का दिखा लेटेस्ट अवतार। जी हाँ, शोएब इब्राहिम अपने खराब हेल्थ के बाद सेट पर नजर आए अपने नए लुक के साथ। हैव अ लुक। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू। जिग्ना जी यार। जिग्ना जी यार यार। जिग्ना वोरा का हैप्पी वाला बर्थडे। बिग बॉस 17 फेम जिग्ना वोरा ने अपने बर्थडे के खास मौके पर रखी एक स्पेशल पार्टी, जहां बिग बॉस 17 के कुछ फ्रेंड्स ने की पार्टी में शिरकत और मचाया खूब धमाल। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी ये ओ। Happy birthday to you, Jigna ma'am.